स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, इससे पहले की वीडियो में आपने कंप्यूटर के फर्स्ट लेसन में डाटाबेस को बनाना सीखा। किसका प्रयोग करके? टेम्पलेट का प्रयोग करके। अब इससे आगे आपको एक ब्लैंक डाटाबेस बनाना सिखाया जाएगा, क्रिएटिंग ए ब्लैंक डाटाबेस। टू क्रिएट ए ब्लैंक डाटाबेस फॉलो द गिवन स्टेप्स। ब्लैंक डाटाबेस को बनाने के लिए निम्न दिए हुए निम्न स्टेप का पालन करें। स्टेप फर्स्ट, ऑन द गेटिंग स्टार्टेड विद माइक्रोसॉफ्ट एसिस पेज। गेटिंग स्टार्टेड विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पेज पर क्लिक ब्लैंक डाटाबेस। ब्लैंक डाटाबेस पर क्लिक करें। स्टेप टू, इन द ब्लैंक डाटाबेस पैन। ब्लैंक डाटाबेस पैन में टाइप द नेम ऑफ द डाटाबेस इन द फाइल नेम बॉक्स। फाइल नेम बॉक्स में टाइप करें द नेम ऑफ द डाटाबेस, डाटाबेस का नाम। फाइल नेम बॉक्स में डाटाबेस का नाम टाइप करें। स्टेप थ्री, क्लिक क्रिएट बटन और फिर क्रिएट बटन पर क्लिक करें। एक्सिस क्रिएट्स एंड ओपन्स ए ब्लैंक डाटाबेस। जो एक्सिस होता है वो एक ब्लैंक डाटाबेस को बनाता है और उसे खोलता है। बाय डिफॉल्ट एन एम्प्टी टेबल इज ओपन। एक खाली तालिका खुलती है। इन विच यू कैन एंटर डाटा, जिसमें आप डाटा को एंटर करा सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। क्रिएटिंग ए टेबल, एक तालिका बनाना। यू कैन एड ए न्यू टेबल टू एन एग्जिस्टिंग डाटाबेस। यू कैन एड ए न्यू टेबल, आप नई तालिका को जोड़ सकते हैं टू एन एग्जिस्टिंग डाटाबेस, मौजूदा डाटाबेस में। बाय यूजिंग द टूल्स, टूल्स का प्रयोग करके। इन द टेबल्स ग्रुप ऑन द क्रिएट टैब, क्रिएट टैब पर टेबल ग्रुप में टूल्स का प्रयोग करके आप मौजूदा डाटाबेस में एक नई तालिका को बना सकते हैं। द टू मेजर बेस टू क्रिएट ए टेबल आर। द टू मेजर बेस, दो मुख्य तरीके टू क्रिएट ए टेबल, टेबल को बनाने के आर्मीज हैं। यूजिंग डाटा सीट व्यू, डाटा सीट व्यू का प्रयोग करके। एंड यूजिंग डिजाइन व्यू और डिजाइन व्यू का प्रयोग करके, आप डाटा सीट व्यू और डिजाइन व्यू का प्रयोग करके टेबल बना सकते हैं। क्रिएटिंग ए टेबल यूजिंग ए डाटा सीट व्यू, डाटा सीट व्यू का प्रयोग करके टेबल बनाना। इन डाटा सीट व्यू, डाटा सीट व्यू में यू एंटर डाटा इन द टेबल डायरेक्टली, आप टेबल में डाटा को सीधे तौर पर प्रवेश करा सकते हैं। टू क्रिएट ए टेबल यूजिंग डाटा सीट व्यू फॉलो द गिवन स्टेप। डाटा सीट व्यू का प्रयोग करके टेबल बनाने के लिए दिए हुए निम्न स्टेप्स का पालन करें। स्टेप फर्स्ट, क्लिक क्रिएट टैब ऑन द रिबन, रिबन पर क्रिएट टैब पर क्लिक करें। स्टेप टू, क्लिक टेबल फ्रॉम टेबल्स ग्रुप, टेबल्स ग्रुप से टेबल पर क्लिक करें। एक्सिस क्रिएट्स ए टेबल एंड सिलेक्ट्स एड न्यू फील्ड कॉलम बाय डिफॉल्ट। जो एक्सिस होता है वो एक टेबल बनाता है एंड सिलेक्ट और चुनता है एड न्यू फील्ड कॉलम बाय डिफॉल्ट, और एड न्यू फील्ड कॉलम को चुनता है। स्टेप थ्री, क्लिक इन द कॉलम एंड टाइप द डाटा इन इट। क्लिक इन द कॉलम, कॉलम में क्लिक करें एंड टाइप द डाटा, और डाटा को टाइप करें इन इट इसमें। एंड प्रेस टैब की टू एड ए न्यू फील्ड, और नई फील्ड को जोड़ने के लिए टैब की को दबाएं टू द टेबल, टेबल में। स्टेप फोर, नाउ सेव द टेबल बाय क्लिकिंग द सेव बटन इन द क्विक एक्सेस टूल बार इन द टाइटल बार। टाइटल बार पर क्विक एक्सेस टूल बार में सेव बटन पर क्लिक करके टेबल को सेव करें। स्टेप फाइव, गिव ए नेम टू द टेबल इन द सेव एज डायलॉग बॉक्स। जो सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होता है उसमें जो आपने टेबल तैयार की है उसे नाम दें, जिससे आपको उसे खोलने में आसानी हो। स्टेप सिक्स, क्लिक द ओके बटन और ओके बटन पर क्लिक करें, जिससे आपकी फाइल सेव हो जाए। ये है आपका सेव एज डायलॉग बॉक्स, जिसमें आप फाइल का नाम लिख सकते हैं। ये आपका सेव एज डायलॉग बॉक्स है।
व्यूइंग ए टेबल, एक टेबल को देखना। टू व्यू द टेबल एंड इट्स डाटा, टेबल को और उसके डाटा को देखने के लिए सिंपली डबल क्लिक ऑन द टेबल फ्रॉम लेफ्ट पैन, लेफ्ट पैन से टेबल पर साधारण तौर पर डबल क्लिक करें। द टेबल ओपन्स इन द राइट पैन, जो राइट पैन है उस तरफ आपकी टेबल खुलती है। यह आपकी टेबल खुली हुई दिखाई गई है। टेबल स्ट्रक्चर, तालिका की संरचना। द टेबल स्ट्रक्चर इंडिकेट्स व्हाट काइंड ऑफ टेबल हैज टू बी क्रिएटेड, जो टेबल स्ट्रक्चर होता है वो दर्शाता है कि किस प्रकार की तालिका को बनाया जाना है। ए टेबल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई, जो एक टेबल संरचना होती है वो पहचानती है। द नेम, नाम को, साइज आकार को, एंड टाइप और प्रकार को ऑफ वेरियस फील्ड्स, भिन्न भिन्न क्षेत्रों के, जो एक टेबल संरचना होती है वो नाम आकार और विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं उनके प्रकार को पहचानती है। ए टेबल स्टोर वेरियस टाइप्स ऑफ डाटा, एक जो टेबल होती है वो विभिन्न प्रकार के डाटा को स्टोर करती है। दी टाइप वेरी अकॉर्डिंग टू द फील्ड्स इन ए टेबल, दी टाइप्स मीन्स ये प्रकार, बारी मीन्स भिन्न होते हैं, अकॉर्डिंग टू द फील्ड्स इन ए टेबल, एक तालिका में फील्ड के अनुसार ये विभिन्न भिन्न होते हैं। सम डाटा टाइप्स आर एज फॉलो, डाटा के कुछ प्रकार निम्न हैं। टेक्स्ट फील्ड, ए टेक्स्ट फील्ड कंटेंस लेटर्स नंबर्स एंड सिंबल्स, जो एक टेक्स्ट फील्ड होती है उसमें लेटर्स होते हैं, अक्षर, नंबर संख्याएं होती हैं, एंड सिंबल और प्रतीक होते हैं। द नंबर्स इन ए टेक्स्ट फील्ड आर कंसीडर्ड एज टेक्स्ट, जो टेक्स्ट फील्ड में नंबर्स होते हैं वो लेख की तरह माने जाते हैं, टेक्स्ट की तरह माने जाते हैं। एंड कैन नॉट बी यूज्ड, और प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं, फॉर कैलकुलेशन, गणना के लिए। द लेंथ ऑफ द टेक्स्ट फील्ड वेरीज, जो टेक्स्ट फील्ड होती है उसकी लंबाई भिन्न होती है। समटाइम्स इट कैन कंटेन ए कॉम्बिनेशन ऑफ अप टू 255 करेक्टर्स, कभी कभी यह 255 अक्षरों से भी ऊपर युक्त होती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, अमन बीटा 13 ए 2582970 एटसेट्रा, इस तरह के लिए उसमें होते हैं जिसमें डिजिट अल्फाबेट ये सारे आपके आते हैं। न्यूमेरिक फील्ड, ए न्यूमेरिक फील्ड कंटेंस नंबर्स, जो न्यूमेरिक फील्ड होती है डाटा टाइप की उसमें आपकी संख्याएं आती हैं। ए न्यूमेरिक फील्ड डज नॉट एक्सेप्ट लेटर्स और अदर सिंबल्स एक्सेप्ट नंबर्स, जो न्यूमेरिक फील्ड होती है वो संख्याओं के अलावा कोई भी अक्षर या प्रतीक स्वीकार नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, 46, 2004, 1989, 1, 2, 3, 4, 5 एटसेट्रा, ये न्यूमेरिक फील्ड होती है उसमें सिर्फ आपके नंबर्स ही आते हैं। करेंसी फील्ड, एक करेंसी फील्ड कंटेंस सिंबल्स फॉर करेंसी, जो करेंसी फील्ड होती है उसमें आपके करेंसी के, मुद्रा के प्रतीक होते हैं। डेसिमल्स एंड कॉमास, डेसिमल और कॉमास, वेयर एवर नीडेड, जहां पर इनकी आवश्यकता होती है वहां पर डेसिमल और कॉमास होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ₹100.45 एंड $45, €20 एटसेट्रा। डेट टाइम फील्ड, डेट और टाइम फील्ड, ए डेट टाइम फील्ड कंटेंस द डेट एंड टाइम, जो डेट टाइम फील्ड होती है वो तारीख और समय से युक्त होती है। कैलकुलेशंस कैन नॉट बी मेड ऑन दिस फील्ड, इस क्षेत्र में गणनाएं नहीं की जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, 1 जनवरी 2000, ये एक तारीख दी हुई है, 1 जनवरी 2000, 1 जनवरी 2006, 1 जनवरी 2006, 11:45 AM, 11:45 का समय दिया हुआ है, एटसेट्रा, जो डेट एंड टाइम फील्ड होती है उसमें डेट और टाइम ही होता है। मेमो फील्ड, ए मेमो फील्ड कंटेंस लॉन्ग टेक्स्ट विद ऑल काइंड्स ऑफ डाटा, जो मेमो फील्ड होती है उसमें
लंबा लेख होता है जिसमें सभी प्रकार के डाटा आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हेलो माई नेम इज रमन, आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, आई लिव इन न्यू दिल्ली एटसेट्रा। जो मेमो फील्ड होती है उसमें सभी चीजें आती हैं। यस नो फील्ड ए लॉजिकल फील्ड, एक तार्किक क्षेत्र, कंटेंस कैरेक्टर्स टू रिप्रेजेंट, ये अक्षरों से युक्त होती है टू रिप्रेजेंट दर्शाने के लिए। यस नो ट्रू एंड फॉल्स, फॉर एग्जाम्पल यस और नो को दर्शाने के लिए और सही और गलत को दर्शाने के लिए। उदाहरण के लिए, बाई फॉर यस, एन फॉर नो, एफ फॉर फॉल्स, टी फॉर ट्रू। क्रिएटिंग ए टेबल यूजिंग डिजाइन व्यू, डिजाइन व्यू का प्रयोग करके टेबल बनाना। इन डिजाइन व्यू यू फर्स्ट क्रिएट द टेबल्स स्ट्रक्चर, डिजाइन व्यू में पहले आप टेबल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। टू क्रिएट ए टेबल यूजिंग डिजाइन व्यू, डिजाइन व्यू का प्रयोग करके टेबल बनाना। फॉलो द गिवन स्टेप्स, निम्न स्टेप का पालन करें। स्टेप फर्स्ट, क्लिक क्रिएट टैब ऑन द रिबन, रिबन पर क्रिएट टैब पर क्लिक करें। स्टेप टू, क्लिक टेबल डिजाइन फ्रॉम द टेबल्स ग्रुप, टेबल्स ग्रुप से टेबल डिजाइन पर क्लिक करें। द न्यू टेबल्स डिजाइन व्यू ओपन्स अप, जो न्यू टेबल्स डिजाइन व्यू है वो ऊपर खुलता है। लेट्स क्रिएट द टेबल स्ट्रक्चर, अब हम टेबल स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। स्टेप थ्री, टाइप नेम ऑफ ए फील्ड इन द फील्ड नेम कॉलम, अब हम फील्ड का नाम टाइप करते हैं इन फील्ड नेम कॉलम, फील्ड नेम कॉलम में। एंड प्रेस टैब की टू मूव द डाटा टाइप कॉलम, और हम टैब की को दबाते हैं टू मूव द डाटा, डाटा को मूव कराने के लिए टू द डाटा टाइप कॉलम, डाटा टाइप कॉलम से। स्टेप फोर, एन एरो अपीयर्स, एक एरो दिखता है फॉर ए ड्रॉप डाउन लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए इन द डाटा टाइप कॉलम, डाटा टाइप कॉलम में। क्लिक द एरो, एरो पर क्लिक करते हैं। एंड सेलेक्ट ए डाटा टाइप, और डाटा टाइप को चुनते हैं फ्रॉम द लिस्ट, लिस्ट से एक लिस्ट दी जाती है, उस लिस्ट से हम डाटा टाइप को चुनते हैं। इस तरह की ये लिस्ट दी जाती है, ये जो लिस्ट दी हुई है इस तरह की लिस्ट दी जाती है, इससे हम डाटा टाइप को चुनते हैं। स्टेप फाइव, प्रेस टैब की टू मूव टू द डिस्क्रिप्शन कॉलम, प्रेस टैब की को दबाते हैं टू मूव टू डिस्क्रिप्शन कॉलम, डिस्क्रिप्शन कॉलम से मूव करने के लिए। एंड टाइप ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द फील्ड, और एक फील्ड के डिस्क्रिप्शन को टाइप करते हैं। डिस्क्रिप्शन मीन्स होता है वर्णन, डिस्क्रिप्शन मीन्स वर्णन। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फील्ड इज ऑप्शनल, जो फील्ड का वर्णन होता है वो ऐच्छिक होता है। स्टेप सिक्स, सेव द टेबल आफ्टर एडिंग ऑल योर फील्ड्स बाय क्लिकिंग सेव बटन ऑन द क्विक एसेस टूल बार। सेव द टेबल, टेबल को सेव करते हैं आफ्टर एडिंग, जोड़ने के बाद ऑल योर फील्ड्स आपके सभी क्षेत्रों को, बाय क्लिकिंग, क्लिकिंग के द्वारा सेव बटन, सेव बटन पर ऑन द क्विक एसेस टूल बार, क्विक एसेस टूल बार पर, क्विक एसेस टूल बार पर सेव बटन जो होती है उस पर क्लिक करके हम अपनी टेबल को सेव करते हैं सभी, अपने सभी क्षेत्रों को जोड़ने के बाद। स्टेप सेवन, टाइप द नेम एंड क्लिक ओके बटन, नेम को टाइप करते हैं और ओके बटन को क्लिक करते हैं, इससे हमारी जो फाइल होती है वो तैयार हो जाती है, जो टेबल होती है वो तैयार हो जाती है। प्राइमरी की, ए टेबल शुड हैव एट लीस्ट वन फील्ड दैट हैज ए यूनिक वैल्यू फॉर ईच रिकॉर्ड, ए टेबल शुड हैव एट लीस्ट वन फील्ड, एक टेबल में कम से कम एक क्षेत्र होना चाहिए, दैट मीन्स जो कि हैज ए यूनिक वैल्यू, जिसमें अद्वितीय वैल्यू हो फॉर ईच रिकॉर्ड, प्रत्येक रिकॉर्ड के लिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इन ए स्कूल डाटाबेस, एक स्कूल डाटाबेस में द रोल नंबर ऑफ ईच स्टूडेंट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच स्टूडेंट, जो रोल नंबर होता है प्रत्येक स्टूडेंट का वो
प्रत्येक स्टूडेंट को दर्शाता है। हर स्टूडेंट का अलग अलग रोल नंबर होता है, सभी का रोल नंबर समान नहीं होता। तो जो रोल नंबर होता है ऑफ ईच स्टूडेंट, प्रत्येक विद्यार्थी का, यूनिकली आइडेंटिफाई, विशिष्ट रूप से दर्शाता है ईच स्टूडेंट, प्रत्येक विद्यार्थी को। यू माइट हैव द सेम नेम, आपके समान नाम हो सकते हैं, बट यू नेवर हैव द सेम रोल नंबर, लेकिन कभी समान रोल नंबर नहीं हो सकते। एज योर फ्रेंड, आपके मित्र के रूप में, आपका जो मित्र है उसके नाम तो मिल सकते हैं आपका और उसका, लेकिन आपका जो मित्र है और आप हैं उस दोनों का रोल नंबर समान नहीं हो सकता है। प्रत्येक विद्यार्थी होता है उसका अलग अलग रोल नंबर होता है। सो इन द स्कूल डाटाबेस, स्कूल डाटाबेस में द रोल नंबर फील्ड इज द प्राइमरी की, जो रोल नंबर फील्ड है वो प्राइमरी की है। ए प्राइमरी की डज नॉट अलाउ नल वैल्यू, जो प्राइमरी की होती है वो शून्य को महत्व नहीं देती, उसकी अनुमति नहीं देती, नल मीन्स होता है शून्य। एंड मस्ट ऑलवेज हैव ए यूनिक वैल्यू, और उसकी सदैव एक अद्वितीय वैल्यू होती है। ए प्राइमरी की इज यूज, एक प्राइमरी जो की होती है उसका प्रयोग किया जाता है टू रिलेट ए टेबल, टेबल को जोड़ने के लिए, टू फॉरेन कीज, बाह्य की से जोड़ने के लिए या विदेशी की से जोड़ने के लिए, इन अदर टेबल्स, अन्य तालिकाओं में। स्विचिंग व्यू, एसिस प्रोवाइड्स डिफरेंट व्यूज टू वर्क विद योर डाटा, जो एक्सेस होता है वो प्रदान करता है, प्रोवाइड्स मीन्स प्रदान करता है, डिफरेंट व्यू, भिन्न भिन्न व्यू टू वर्क, कार्य करने के लिए विद योर डाटा, आपके डाटा के साथ। यू कैन ईजली स्विच फ्रॉम वन व्यू टू एनोदर, यू कैन ईजली, आप आसानी से, स्विच मीन्स बदल सकते हैं, फ्रॉम वन व्यू टू एनोदर, एक व्यू से दूसरे व्यू में। देयर आर फोर व्यू टू वर्क विद ए टेबल, यहाँ पर आपको फोर व्यू दिए गए हैं टू वर्क, कार्य करने के लिए विद ए टेबल, एक टेबल के साथ। फर्स्ट है आपका डाटा सीट व्यू, सेकंड है पिवोट टेबल व्यू, थर्ड है पिवोट चार्ट व्यू, फोर है डिजाइन व्यू। द टू मेन व्यूज आर द डाटा सीट व्यू, जिसे स्प्रेड सीट व्यू बोलते हैं, एंड द डिजाइन व्यू, जिसे टेबल स्ट्रक्चर व्यू बोलते हैं। डाटा सीट व्यू, इट डिस्प्लेज द व्यू इन ए रो कॉलम फॉर्मेट, ये इट डिस्प्लेज मीन्स, यह दर्शाता है द व्यू, व्यू को, इन ए रो कॉलम फॉर्मेट, एक रो कॉलम के फॉर्मेट में। विच अलाउ, जो कि अनुमति देता है, यू मीन्स आपको, टू व्यू दिखाने की, एंटर प्रवेश कराने की, और मैनिपुलेट और चलाने की डाटा, डाटा को। इट डिस्प्लेज द व्यू, यह व्यू को दर्शाता है इन ए रो कॉलम फॉर्मेट, रो कॉलम फॉर्मेट में। विच अलाउ यू टू व्यू, एंटर और मैनिपुलेट डाटा, जो कि आपको डाटा को दिखाने, प्रवेश कराने और चलाने की अनुमति देता है। डिजाइन व्यू, इट डिस्प्लेज द व्यू विच अलाउ यू टू एंटर फील्ड नेम्स, डाटा टाइप्स एंड द डिस्क्रिप्शन इनटू योर टेबल। इट डिस्प्लेज, यह दर्शाता है द व्यू, व्यू को, विच अलाउ यू, जो कि आपके अनुमति देता है फील्ड नेम को एंटर कराने की, डाटा टाइप्स को एंटर कराने की, एंड द डिस्क्रिप्शन और बर्डन को एंट्री दिलाने की इनटू योर टेबल, आपकी टेबल में। टू स्विच व्यू के लिए सिंपली क्लिक व्यू, साधारण तौर पर व्यू पर क्लिक करें इन द होम टैब में ऑफ द रिवन के, साधारण तौर पर रिवन के होम टैब में व्यू पर क्लिक करें। फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट से चूज द व्यू यू वांट, और आप उस व्यू को चुनें जिसे आप चाहते हैं। एंटरिंग डाटा द डाटा सीट व्यू, डाटा सीट व्यू में डाटा को एंटर कराना। टू एंटर डाटा इनटू द टेबल इन द डाटा सीट व्यू, टू एंटर डाटा, डाटा को प्रवेश दिलाना, इन टू द टेबल इन द डाटा सीट व्यू, डाटा सीट व्यू में जो टेबल होती है उसमें डाटा को एंटर कराना, किस तरह से कहते हैं, टाइप द वैल्यू इन द रेस्पेक्टिव फील्ड,
टाइप द वैल्यू, जो वैल्यू होती है उसे टाइप करते हैं इन द रेस्पेक्टिव फील्ड संबंधित क्षेत्र में। प्रेस टैब की, टैब क्यू को दबाते हैं टू मूव टू द नेक्स्ट फील्ड, नेक्स्ट फील्ड में जाने के लिए। टू टाइप इट्स वैल्यू, और उसकी वैल्यू को टाइप करने के लिए। व्हेन यू प्रेस टैब की इन द लास्ट फील्ड, जब आप लास्ट फील्ड में टैब की को दबाते हैं द इंसर्शन पॉइंट मूव्स टू द फर्स्ट फील्ड। जो इंसर्शन पॉइंट होता है, इंसर्शन पॉइंट इस तरह का होता है, इस तरह से इंसर्शन पॉइंट होता है। हाँ, द इंसर्शन पॉइंट मूव्स टू द फर्स्ट फील्ड, जो इंसर्शन पॉइंट होता है वो फर्स्ट फील्ड में चला जाता है इन द नेक्स्ट लाइन, अगली पंक्ति में।